अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम तैयार कर रहे हैं चिकन चंगेज़ी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम तैयार कर रहे हैं चिकन चंगेज़ी। ये एक बेहतरीन मुगलाई डिश है, इसे हम 3 स्टेप्स में तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं पहला स्टेप। चिकन चंगेज़ी का पहले स्टेप्स में हमें चिकन को मैरिनेट करना है। ये चिकन चंगेज़ी खाने में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यमी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो पहले स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने विद बोन लिया है। और साथ में मैंने लिया है 100 ग्राम्स दही, 100 ग्राम दही और उसके साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक और साथ में 1/2 नींबू का रस। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये मैंने डाला 1/2 छोटा चम्मच नमक, साथ में डाला लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम्स दही और 1/2 नींबू का रस। ये तमाम चीज़ों को डालकर हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये मैंने पैन गरम करने रखा और बगैर ऑयल के हम चिकन को रख देंगे और अच्छी तरह से इसे हम रोस्ट कर लेंगे। मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, चिकन के पानी में ही खुद ब खुद चिकन पकेगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे अलट पलट करते जाएंगे ताकि ये जलने ना पाए और चिकन को हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन जो है ड्राई होना शुरू हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं इसे 2 मिनट और कुक कर लूँगी। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और अब हम मसाला तैयार करते हैं। अब शुरू होता है हमारा सेकंड स्टेप। इसके लिए मैंने 2 बड़ी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, साथ में 15 से 20 काजू लिए हैं, 3 बड़े टमाटरों की मैंने प्यूरी ले ली है, टमाटरों को मिक्सी में डालकर इसका प्यूरी बना ली है, और ये लिए हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, नमक हम मैरिनेशन में भी डाल चुके हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च लें तो ज़्यादा बेहतर है, और साथ में 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। चिकन चंगेज़ी के लिए मैंने लिया है क्रीम। 4 बड़े चम्मच हमें डालने हैं क्रीम, आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में लिया है 1 कप दूध। ये शुरू होता है हमारा सेकंड स्टेप्स। इसमें मैंने डाले 3 बड़े चम्मच क्लेरिफाइड बटर यानी प्योर घी, और फिर इसमें हम डालेंगे अनियंस, 2 बड़ी अनियन, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। प्याज का रंग बदलना शुरू हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसमें मिला कैशू नट्स यानी काजू, तकरीबन 20 काजू है ये, इसे भी डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए काजू और प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस प्याज को हमें इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा गहरा रंग नहीं देना है। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ और ठंडा करके इसे हम 1/2 कप दूध के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे।
ये निकाली तमाम प्याज मैंने, अब इसे हम ठंडा करते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं। ये देखिए प्याज काजू को मैंने आधा कप दूध के साथ मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। इसका बहुत अच्छी पेस्ट तैयार है। अब शुरू होता है हमारा थर्ड स्टेप्स। इसमें हमने डाला पैन में 2 बड़े चमचे क्लेरिफाइड बटर यानी प्योर घी, आप तेल भी ले सकते हैं, और इसमें मैंने डाला 2 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। 2 मिनट में अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है और देखिए ऑयल अलग हो चुका है और खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे टमाटो प्यूरी। 3 बड़े टमाटरों को मिक्सी में डालकर मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली थी। अगर आपके पास टमाटर छोटे हो तो आप 4 लें। ये 3 बड़े टमाटरों की प्यूरी है और इसे हम डालकर हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ में मैंने इसमें डाला 1 छोटा चम्मच नमक। नमक हम चिकन के मैरिनेशन में भी डाल चुके हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब टमाटर प्यूरी को भी हमें भूनना है। इसमें देखिए ये भुनना शुरू हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से ये भुन रही है। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाले। ये मैंने मिलाया गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1.5 यानी 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज और काजू का पेस्ट। प्याज काजू को हमने 1/2 कप दूध डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट को हम मसालों में मिलाकर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम पे रखें। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिला देती हूँ ताकि ये अच्छे से तमाम मसाले भुन जाएँ। हम तैयार कर रहे हैं मुगलाई डिश चिकन चंगेजी। तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। फिर फ्लेम को हमने मीडियम और स्लो पे करके इसे अच्छे से भुना है। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 कप ठंडा दूध। आधा दूध हमने प्याज का पेस्ट बनाने के दौरान इस्तेमाल किया है और बाकी बचा हुआ दूध अभी हमने ग्रेवी में मिला दिया। इसके मिलाते ही देखिए ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। अब इसे कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। दूध के मिलाते ही ग्रेवी देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए चिकन चंगेजी का मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन रहा है और काफ़ी हद तक ये भुन चुका है, ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी क्रीम। इसमें मैंने 4 बड़े चमचे क्रीम मिलाए हैं। आप घर की मलाई भी मिला सकते हो इसके अंदर। क्रीम मिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे, बड़ी ही रिच ग्रेवी तैयार होती है क्योंकि इसमें हम दूध मलाई काजू तमाम चीज़ें डाल रहे हैं। ये देखिए ग्रेवी के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन मिलाएंगे। ये देखिए अब मैं इसमें मिलाती हूँ चिकन। चिकन को हमने पहले स्टेप में तैयार किया था, ये तकरीबन 50% कुक हो चुकी है। चिकन को मसालों में डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में हम कस्तूरी मेथी को भूनने के लिए रखेंगे 1 बड़ा चम्मच। देखिए 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी को मैंने तवे पे हल्के से भूनकर इसे हाथों से मसलकर ग्रेवी के ऊपर डाल दिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। कस्तूरी मेथी डालने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चिकन चंगेजी बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो ये मैंने इसमें मिला दिया कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे तकरीबन 1/2 कप पानी ताकि चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए और टेंडर भी हो जाए। तो ये लीजिए मैं इसमें मिलाती हूँ 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी मिला के हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। जैसे ही चिकन हमारी बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और फिर ढककर 10 से 12 मिनट पकाएंगे। ये देखिए चिकन में बॉईल आना शुरू हो गया है, उबाल आना शुरू हो गया है, चिकन बॉईल हो रही है।
ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं फ्लेम को स्लो करती हूँ और इसे ढक कर अब हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चिकन चंगेज़ी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है, ऊपर सरफेस पे ऑयल आ चुका है ये देखिए, और चिकन भी गल चुकी है ये देखिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन चिकन चंगेज़ी तैयार हुई है ये देखिए। अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ और इसे फिर हम डिश आउट करेंगे। आप चिकन चंगेज़ी को पराठों से, नान से, रोटी से, जिससे दिल चाहे खाएं। इसके साथ में इसके ऊपर डालती हूँ हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो लीजिए तैयार है चिकन चंगेज़ी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और को भी खिलाएं, और साथ में हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।